नहीं आ सके उनको लाइव स्ट्रीमिंग से देखेंगे या वो टीवी पर देखेंगे, और वो वहीं से अपने घर से व्हाट्सएप से क्वेश्चंस पूछेंगे और वो यहाँ पढ़ाएंगे दत्तवालिया जी और हम जवाब देंगे। तो ये दो नए परिपाठी और खासकर ऐसे माहौल में हम तैयार कर रहे हैं। एक शुरू में ही मुझे बताना जरूरी है कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की है कि कल रविवार को जनता कर्फ्यू का पालन करे, तो देश भर से जो खबरें आ रही है पूरी तैयारी है लोगों की और लोग बहुत ही मन से ये पूरा करेंगे और कल कर्फ्यू करेंगे, क्योंकि यही हमारी संकल्प है कि देश कोरोना को मात देगा। तो वो एक कहना था। कल प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई कैबिनेट की, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण 9 फैसले लिए गए हैं जिसकी हम जानकारी देंगे। उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्ट, आज सेकंड नंबर का इम्पोर्ट आज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का होता है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मोदी जी के सरकार में, रवि जी के नेतृत्व में मोबाइल वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग जोर से शुरू हुआ, लेकिन अब उसको अगले पादान पर पहुंचाना है तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी यहाँ बने, सेमीकंडक्टर्स बने, मैन्युफैक्चरिंग के क्लस्टर्स बने और अधिक, क्योंकि बिखरे बिखरे फिर उद्योग होते हैं, और ये एक प्रोडक्शन लिंक्ड बेनिफिट जो प्रोडक्शन बढ़ाएगा भारत में उसको एक इंसेंटिव देने की योजना है, जिसकी पूरी जानकारी रवि जी देंगे। दूसरा मेडिकल के क्षेत्र में भी, फार्मेसी के क्षेत्र में, क्योंकि भारत की महारत है, लेकिन इसमें भी बहुत ऐतिहासिक फैसले मोदी जी के नेतृत्व में कल हुए हैं और जिसकी जानकारी मनसुख मांडविया जी देंगे। और ये है ड्रग इंटरमीडिएट्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल, API जिसे बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इसको देश में ज़्यादा बने इसके लिए कार्यक्रम बनाया है, और मेडिकल डिवाइसेस का भी बनाया है, और बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के 3 नए क्लस्टर करने का भी निर्णय लिया है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय है जिसकी जानकारी मांडविया जी देंगे। जो बचे 3 निर्णय है वो संक्षेप में मैं बताता हूँ। पहले आयुष और हेल्थ वेलनेस का एक है। आपको मालूम है कि आयुष्मान भारत जैसे शुरू हुई, वैसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो प्राथमिक आरोग्य केंद्र थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, उसमें सभी प्रकार के टेस्ट मुफ्त में हो जाए, योगा से लेकर सभी हेल्दी प्रैक्टिसेस का प्रशिक्षण भी मिले, और वहाँ अनेक ऐसे उपकरण होंगे जिसका सहारे आप आपके शरीर को चुस्त और दुरुस्त रख सकते हो, क्योंकि वी ऑलवेज बिलीव दैट हेल्थ केयर इज द बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और इसलिए ये आयुष में 3,400 करोड़ का व्यय से ये आयुष के 12,000 नए केंद्र बनेंगे, वेलनेस और हेल्थ सेंटर्स, और जिसमें जो स्वास्थ्य आयुष मंत्रालय के जो केंद्र है ऐसे 10,000 केंद्रों में भी बनेंगे, और जो 2,500 केंद्र है कि जो सब सेंटर्स है हेल्थ विभाग के, वहाँ भी बनेंगे। तो इस तरह से 12,500 केंद्र आने वाले सालों में पूरा करें, इसके लिए ये फैसिलिटी है। और जैसा मैंने कहा कि बीमार न पड़े, ये पहली, स्वस्थ रहे तबीयत, इसके लिए ये कार्यक्रम किया है, और ये अनोखा कार्यक्रम है और अनेक देशों ने उसका बहुत प्रशंसा की है। तो ये हेल्दी रखने के कार्यक्रम को आगे बढ़ावा देने के लिए ये 3,400 करोड़ का प्रोविजन है। दूसरा है कि जो किसानों के लिए, मुझे लगता है हर बैठक में किसानों के लिए एक निर्णय होता ही है। कपास, आपको मालूम है उसकी MSP घोषित होती है, और कभी कभार ऐसा मौका आता है कि MSP से भी नीचे अगर बाजार जाता है तो MSP में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीद करती है। और महाराष्ट्र में जैसे महाराष्ट्र पणन संघ है, वैसे हर राज्य की अलग व्यवस्था है,
उनके माध्यम से ये खरीद होती है। ये खरीद से फिर बिक्री भी होती है इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन से। वो बिक्री और खरीद में जो अंतर आता है, जो नुकसान अगर होता है, तो वो नुकसान की भरपाई सरकार करती है। और ऐसे 1,000 करोड़ की, लगभग 1,059 करोड़, इतने रुपए का पिछले 4 सालों का जो नुकसान हुआ है, वो एक साथ हम उसको दे रहे हैं। तो ये भी MSP एक ऐसी व्यवस्था है कि समर्थन मूल्य, ये व्यवस्था इसीलिए की है कि उसके नीचे कीमत किसी भी रूप में नहीं आए, उसके ऊपर कीमत रहे बाजार में। और इसका लाभ होता है, अनेक चीज़ों में हमने देखा है कि समर्थन मूल्य घोषित करते ही बाजार के दाम बढ़ जाते हैं और किसान को न्याय मिलने लगता है। तो यही हमारा मकसद है, और इसलिए ये MSP का संरक्षण, ये किसान का संरक्षण है, और इसलिए ये एक निर्णय लिया है। एक दूसरे निर्णय में, तीसरे निर्णय में बेल्जियम के साथ एक एक्सट्रैडिशन की ट्रीटी की है। जैसे आपको मालूम है, अनेक देशों के साथ हुआ है कि जो गुनहगार बेल्जियम के अगर भारत में कोई आश्रय लेता है तो उसको बेल्जियम को सौंपना, और बेल्जियम में अगर भारत का कोई गुनहगार वहाँ जाके आश्रय लेता है या छिपता है तो उसको ढूंढ के भारत को देना, ये दोनों का एक समझौता हुआ है। और मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये इसी से हम आगे बढ़ेंगे। और यही मुझे शुरू में कहना है। ओवर टू रवि। रवि जी, नमस्ते। पत्रकार मित्रों, कल जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें भारत को नए क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के दिशा में बहुत ही प्रभावी निर्णय किए हुए हैं। 2 long-term policy decisions have been taken to make India a big hub of manufacturing, first in the case of electronics and the second in the case of pharma as also medical devices. इलेक्ट्रॉनिक का विषय मैं देखता हूँ तो उसको मैं बताऊँगा, और जैसा बताया माननीय प्रकाश जी ने, माननीय राज्य मंत्री जी उसके विषय में विस्तार से प्रकाश डालेंगे, हमारे मनसुख भाई। पूरी दुनिया आजकल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही आगे बढ़ रही है, इन न्यू टेक्नोलॉजी में। और नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जब 14 में हमारी सरकार आई थी तो मेक इन इंडिया के अंतर्गत हम लोगों ने भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ही आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैं आपके सामने बस 2-3 आंकड़े दूंगा, डिटेल्स आपको प्रेस रिलीज में मिलेगा। 14-15 में 1,90,000 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग देश में हुआ था, जो 18-19 में बढ़कर 4,58,006 करोड़ हो गया है, 70 billion। देर इज ए कंपाउंड ग्रोथ रेट ऑफ 25%। और दुनिया में भारत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन 1.3% से बढ़कर 2012 का 3% हो गया है। लगभग 20 लाख लोग काम करते हैं इसमें, लोगों को नौकरी मिली है। और इस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ने बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है। हमारी जब सरकार आई थी तो देश में सिर्फ 2 मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री थी, आज 260 फैक्ट्री है और 18,900 करोड़ से जो प्रोडक्शन था वो 1,70,000 करोड़ का हो गया। तो आप देख रहे हैं कि देर इज ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग राइज एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग राइज ऑल्सो। इस 20 लाख जो लोग काम करते हैं उसमें लगभग 6.25 लाख लोग मोबाइल में काम करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट।
अब इस अनुभव से लाभ लेते हुए हमने कोशिश की है कि हम नए योजनाओं को लेकर के आएंगे कि भारत के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, इन तीनों को और आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए जैसा प्रकाश जी ने बताया, हम लोगों ने तीन निर्णय किए हैं। उसके पहले आप एक बात जान लें कि हमने 2018 में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी भी लाया था, जो कैबिनेट से अप्रूव्ड पॉलिसी है, और उसमें हम इस बात की पूरी चिंता कर रहे हैं कि भारत आने वाले 5 से 6 वर्षों में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हम इसमें करें, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, और लगभग 25 लाख लोगों को नौकरी दें, और जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसको आगे बढ़ाने में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये तीन स्कीम्स हैं, वो स्कीम क्या क्या हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला है PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को हम आग्रह करते हैं वो हिंदुस्तान आए, भारत में पूंजी निवेश करे, और जितना वो निवेश करेंगे, अपने प्रोडक्ट का इंक्रीमेंटल सेल करेंगे, तो 4 से 6% हम उनको इस पर इंसेंटिव देंगे। दिस इंसेंटिव इज लिंक्ड टू योर प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ये पहली बात जान लें। और इसके माध्यम से जहां हम ग्लोबल कंपनी को भी लाना चाहते हैं, तो भारत की 2-3-4 कंपनियों को भी चैंपियन कंपनी बनाना चाहते हैं ताकि वो इस दिशा में पूंजी निवेश करें। और हम इसके लिए 40,995 करोड़ रुपया आने वाले 5 वर्षों के लिए देंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू गिव ए ह्यूज अमाउंट ऑफ 40,995 करोड़, दैट मीन्स क्लोज टू 41,000 करोड़ इन द कमिंग 5 ईयर्स, विच विल बी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। दुनिया की कंपनी भी आएगी, भारत की कंपनी भी बढ़ेगी। तो ये एक पहला जो निर्णय है मैं आपको बताना चाहते हैं। दूसरा है प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर, क्योंकि आप मालूम है कि भारत को आगे बढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, तो कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में केंद्र बनना चाहिए। फिनिश प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक के, मोबाइल के, सेमीकंडक्टर के, बाकी इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी के, टेलीकम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स, तो हम उसको भी बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन द डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन। तो इन तीनों स्कीम में एक कॉमन लिंक है जिसके बारे में बताऊंगा आपको। तो इसके लिए हम लोग 25% इंसेंटिव ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, एसोसिएटेड फैसिलिटी, टेक्नोलॉजी, R&D सब पर देंगे। तो ये जो सब ऐसे जो स्कीम में जो जितने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में कंपोनेंट हैं, मोबाइल है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्ट्रेटजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, इन सबों पर हम देंगे। इसमें हम 3,285 करोड़ रुपये का हम ये इंसेंटिव ऑफ 25% ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर देने जा रहे हैं। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। ये एक हमने बड़ी योजना शुरू की है जिसमें एक बड़ी कंपनी आएगी और उसके साथ साथ उसके वैल्यू चेन की भी कंपनियां आएगी। वो कंपनियां ग्लोबल कंपनी भी होगी, विदेशी कंपनी भी होगी और भारतीय कंपनी भी होगी। मैं अपने सेक्रेटरी को कोट करूं तो उन्होंने सरल भाषा में इसको बहुत बढ़िया लिखा, कहा कि दूल्हा भी आएगा साथ में बराती भी आएंगे। आई थिंक इट इज अ वेरी अप्रोप्रिएट इंडियन एक्सप्रेशन, एंड बिग कंपनी कमिंग इन द क्लस्टर अलॉन्ग विथ ऑल द एसोसिएटेड वैल्यू चेन कंपनी टू मेक द फिनिश्ड प्रोडक्ट ए बिग वन।
तो इसके अंतर्गत हम ये आपके उनको जो देंगे, एक एंकर कंपनी आएगी तो 200 एकड़ ये क्लस्टर होगा शेष भारत में, और नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया में 100 एकड़ का क्लस्टर होगा। और जो 300 करोड़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको हम बाकी इंसेंटिव देंगे 50 करोड़ रुपीस पर 100 एकड़, ऐसा करेंगे। तो ये जो तीनों मैंने बताया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव नंबर 1, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव नंबर 2, एंड क्लस्टर फॉर ए बिग कंपनी अलोंग विद चेन ऑफ ए स्मॉल कंपनी इन वैल्यू चेन। तो आप देखेंगे कि बड़ी कंपनी आकर जमीन लेगी, तो जमीन लेगी तो उस पर इंसेंटिव देंगे, उनके साथ जो कंपनियां आएंगी उनको हम मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव देंगे, और जो बड़ी कंपनी आकर के पैसा पर लगाएगी तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव भी देंगे उनको PLI में 40,000 करोड़ का। इन तीनों स्कीम के माध्यम से हमारी अपेक्षा है कि 2025 तक 10 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होगा और लगभग 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नौकरी मिलेगी। आई रिपीट, बिकॉज ऑफ दीज थ्री स्कीम्स, द PLI, द क्लस्टर स्कीम एंड द इंसेंटिव फॉर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, वी होप टू जेनरेट मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ 10 लाख करोड़ बाई 2025 एंड जेनरेटिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू 20 लाख पीपल इन एडिशन टू द प्रेजेंट वर्किंग स्ट्रेंथ। और जो मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं कि चाइना और वियतनाम आदि देशों की जो डिसेबिलिटी है इस सेक्टर में, हम भारत को 6-10% कम करेंगे उससे। तो जैसा मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हम बहुत सफल हुए हैं, तो उस सफलता के आधार पर हम भविष्य की इमारत बनाने जा रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉयमेंट, अपने पत्रकार मित्रों को मैं बताऊंगा कि सिर्फ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और कंपोनेंट की 97 फैक्ट्री आ चुकी है। तो जिस तरह से ये विस्तार हो रहा है, और अभी माननीय हमारे मनसुख भाई बताएंगे जिस तरह से मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स विस्तार वो बताएंगे, मैं एक ही बता दूं, मैं इसके पीछे 3-4 साल से लगा हुआ था। MRI मशीन, एक्सरे मशीन, पैथोलॉजिकल मशीन, ये सब की असीम संभावना है भारत में। और आयुष्मान भारत का कार्यक्रम, वेलनेस सेंटर का कार्यक्रम, ये सब बनेंगे तो भारत मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनने वाला है। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा, उन्होंने इस पे बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई है। इस बहुत बड़े सुधार के कार्यक्रम में जो भारत को मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब बनाने जा रहा है, जहां पूंजी निवेश होगा, जहां नौकरी मिलेगी और भारत के लोगों को असीम संभावनाएं मिलेंगी। आई विश टू रिस्पेक्टफुली कॉम्प्लीमेंट द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, हु हैज बीन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट टू इंश्योर दैट इंडिया बिकम्स ए वेरी टावरिंग कंट्री इन द कमिटी ऑफ नेशंस इन द फील्ड ऑफ न्यू एज मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द फार्मा एंड मेडिकल प्लेस। इट विल जेनरेट रेवेन्यू, इट विल वैल्यू एडिशन आवर पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, गिव मोर टैक्सेस, एंड इंडिया विल नॉट ओनली बिकम ए हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बट ऑल्सो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। और इसके कारण जो प्रकाश जी ने बताया, जो इम्पोर्ट का बिल होता है वो भी बहुत कम होगा। तो ये बहुत ही एक प्रकार से यशस्वी निर्णय है, तो मैंने इसको बता दिया। मांडविया जी, आदरणीय रवि जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, हमारे दोनों सेक्रेटरी जी, सभी मीडिया के मित्रगण, कल मोदी जी ने कैबिनेट में फार्मा सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मोदी जी कभी
टोकन में नहीं सोचते हैं, टोटल में सोचते हैं। और इसलिए पिछले 2-3 साल से हम एक प्रयास कर रहे थे और मोदी जी ने हमें गाइड किया था। वैसे ही फार्मा सेक्टर में हम डेवलप्ड कंट्री है, फार्मा इंडस्ट्रीज हमारा देश की 3 लाख करोड़ की है। आज भी आप अमेरिका में जाओ और अमेरिका में 4 टैबलेट लोग लेते हैं, उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनरिक मेडिसिन होती है। आप सारी दुनिया में जाए और सारी दुनिया 6 टैबलेट खाती है, उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनरिक मेडिसिन की टैबलेट होती है। जैसे फॉर्मुलेशन में हम डेवलप्ड कंट्री के रूप में दुनिया में फॉर्मुलेशन मेडिसिन को एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन देश में कई एपीआई ऐसे हैं, क्योंकि जब फॉर्मुलेशन बनते हैं तो फॉर्मुलेशन बनाने के लिए की स्टार्टिंग मटेरियल मतलब KSM वो स्टार्टिंग मटेरियल होता है, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसका कन्वर्जन इंटरमीडिएट में होता है और इंटरमीडिएट का कन्वर्जन होता है API में और API से फॉर्मुलेशन बनता है, मतलब टैबलेट बनती है, इंजेक्शन बनता है। ये सारी चैनल हम आज तक फिलफुल नहीं करते थे। कई ऐसे APIs थे हम एक्सपोर्ट भी करते थे, कई ऐसे API थे हमें इम्पोर्टेड पर डिपेंड रहना पड़ता था। आज 42,000 करोड़ रुपीज का API हम इम्पोर्ट करते हैं, उसके सामने 36 करोड़ रुपीज का API हम एक्सपोर्ट करते हैं, और उसमें कई ऐसी हमारी गैप है जिससे फार्मा सेक्टर में हमारा देश की ड्रग सिक्योरिटी हम सस्टेन नहीं कर पाते थे। और मोदी जी ने डिसाइड किया, जैसे रविशंकर जी ने बताया, API के साथ मेडिकल डिवाइस आज के दिन में भी 85% मेडिकल डिवाइस के इंपोर्ट पर हमें डिपेंड करना पड़ रहा है। इस सेक्टर में हम एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लेके आए हैं। मोदी जी ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, देश फार्मा सेक्टर में मेडिसिन सेक्टर में सेल्फ सस्टेन होना चाहिए और ड्रग सिक्योरिटी देश को होनी चाहिए। उसके लिए मोदी जी ने कल कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया, पैकेज के रूप में डिसीजन लिया। एक डिसीजन से अगले 5 साल में हिंदुस्तान ड्रग सिक्योरिटी में अपनी महारत हासिल कर देगा। एक्सपोर्ट आज हम API में, जो API में इंपोर्ट API पर डिपेंड है, वो भी API हिंदुस्तान में बनेगा और एक्सपोर्ट होगा। उसकी स्कीम क्या है ये पैकेज में, पहली एक स्कीम, कुल चार, एक पैकेज में 4 स्कीम बनाई है, 2 बल्क ड्रग्स के लिए है और 2 API के लिए है। उसमें से पहली स्कीम बल्क ड्रग पार्क, 3,000 करोड़ रुपीज बल्क ड्रग पार्क के पीछे भारत सरकार खर्च करेगी। एक बल्क ड्रग पार्क में 1,000 करोड़ रुपीज भारत सरकार इंसेंटिव देगी। 1,000 एकड़ लैंड लेके कोई भी स्टेट आएगा, ये स्टेट में बल्क ड्रग पार्क बनाया जाएगा। दूसरा, जैसा प्रकाश जी ने एक स्कीम घोषित किया, वैसे ही PLI मतलब बल्क ड्रग्स प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ये हमारा देश की API का प्रोडक्शन को इंसेंटिव और सपोर्ट देने के लिए है। उसके लिए 6,940 करोड़ रुपीज के खर्च से ये स्कीम बनेगी, और ये स्कीम में जो बल्क ड्रग प्राइवेट यूनिट भी बनाए, प्राइवेट फैक्ट्री भी बनाए, उसको 20% इंसेंटिव हम 5 साल तक देते रहेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण स्कीम वो है मेडिकल डिवाइस पार्क। अगले दिनों में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क हम देश के 4 स्टेट में बनाएंगे, उसमें 100 करोड़ रुपीज हम उसको, जिस स्टेट मेडिकल डिवाइस पार्क बनाएंगे उसको इंसेंटिव के रूप में देंगे। मेडिकल डिवाइस पार्क के साथ मेडिकल डिवाइस प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, उसके पीछे 3,420 करोड़ रुपीज का खर्च किया जाएगा। 3,420 करोड़ रुपीज खर्च करके हम जो मेडिकल डिवाइस पार्क बनाएंगे उसको मेडिकल डिवाइस देश में बनाएंगे,
उसको चार पार्ट में हमने लिंक किया है कि जो देश की रिक्वायरमेंट है यहाँ नहीं बनता है और बाहर से हम लाते हैं, उसमें चार सेगमेंट है, कैंसर, रेडियोलॉजी, एनेस्थेटिक एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड हार्ट। ये चार सेगमेंट के लिए जो मेडिकल डिवाइस है ज़्यादातर हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, देश में नहीं बनता है। ये चार सेगमेंट में जो लोग मेडिकल डिवाइस बनाएंगे उसको 5% हम इंसेंटिव देंगे। ये 5% उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट फर्स्ट बिल बनेगा, उसके ऊपर 5% भारत सरकार इंसेंटिव देगी और उसके पीछे 3420 करोड़ रुपीज खर्च किया जाएगा। वैसे ही बल्क ड्रग्स में, बल्क ड्रग्स देश में बनती है और कई ऐसे बल्क ड्रग्स है जो आज हम इम्पोर्ट करते हैं, तो हम इम्पोर्ट करते हैं ऐसे बल्क ड्रग्स के लिए हमारी स्कीम के माध्यम से हम उसमें सॉल्वेंट रिकवरी प्लांट, डिस्टिलेशन प्लांट, पावर एंड स्टीम यूनिट, कॉमन एफ्लुएंस ट्रीटमेंट प्लांट, वो सबसे ज़्यादा उसमें ही खर्च होता है। एक हमारे मेडिकल, हमारे बल्क ड्रग पार्क में ऐसे व्यवस्था खड़ी करने के लिए 1000 करोड़ रुपीस का उपयोग होगा। और देश में जो बल्क ड्रग्स पार्क, बल्क ड्रग देश में बन रहे या तो नया प्लांट आएंगे, तो जो नया प्लांट देश में आएंगे या तो आज है उसको एग्जिस्टिंग करेंगे, तो उसको 2019-20 को बेसिक ईयर मान के उसके बाद उन्होंने जो प्रोडक्शन बढ़ाया है वो प्रोडक्शन बढ़ाने पर उसको 20% हम इंसेंटिव देंगे। फर्स्ट 4 साल तक 20%, 5वें साल में 15% और 6 ईयर में 5% हम उसको इंसेंटिव देते रहेंगे। और ऐसे दो पार्ट बनता है उसमें ही, जब बल्क ड्रग प्रोडक्शन होता है तो बल्क ड्रग के लिए हमने 53 एपीआई को आइडेंटिफाई किया है। ये एपीआई कैसा है, 80% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो 80% हमें एपीआई इंपोर्ट करना पड़ता है। ये एपीआई देश में बने और देश में बनाने के लिए कई एपीआई बनाने में फर्मेंटेशन बेज होता है और कई एपीआई केमिकल्स बेज होता है। केमिकल्स बेज होता है उसमें हम 10% उसको इंसेंटिव देंगे और जो फर्मेंटेशन बेज बनता है उसमें हम 20%, 15% और 5%, मतलब 4 ईयर्स के लिए 20%, 5th में 15% और 6 ईयर में हम 5% देंगे। उससे हमें फायदा अगले 5 साल में ये होगा 46,000 करोड़ रुपीस। 8 साल में हमारे देश में एपीआई का प्रोडक्शन होगा और 8th ईयर में, 8वें साल में हम प्रवेश करेंगे तब 19,000 करोड़ रुपीस का हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। उससे देश कुल मिला के ड्रग सिक्योरिटी प्राप्त कर लेगा, हजारों लोगों को रोजगारी मिलेगी और देश को एपीआई के संदर्भ में किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। कुल मिला के ये बहुत बड़ा पैकेज है, उससे देश में बल्क ड्रग्स इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, उससे देश में मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, उससे देश में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे देश में इंपोर्ट पर डिपेंड नहीं रखना पड़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण, फार्मा सेक्टर में ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मेक इन इंडिया का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। इस दृष्टि से ये चार स्कीम एक पैकेज के रूप में कुल मिला के 14,000 करोड़ रुपीस उसके पीछे खर्च होगा। तो 14,000 करोड़ रुपीस खर्च के साथ देश मेडिकल सेक्टर में एक बहुत बड़ा कदम विश्व के सामने आगे रख पाएगा, देश की इकोनॉमी को भी सपोर्ट करेगा, देश में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, देश में जो एंटरप्रेन्योर्स है उसको साहस करने का सहयोग भी मिलेगा और देश में मैन पावर और ब्रैंड पावर है उसका उपयोग भी होगा। इस दृष्टि से फार्मा सेक्टर में मोदी जी ने महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है। फ्रेंड्स, अपने क्वेश्चन जो है वो अगर आप कैबिनेट के ऊपर रखेंगे ज्यादा, बिकॉज डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कोरोना वायरस पे 4 बजे यहीं पे शेड्यूल करी हुई है। सो 38 या नंबर 38 पीछे दीजिए।
सर आपने जो जॉब्स का फिगर दिया इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए, सो इट इज़ एडिशनल जॉब दैट विल बी क्रिएटेड ओवर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 years, एंड विच आर द लार्ज कंपनी दैट यू आर लुकिंग एट विल कम एंड इन्वेस्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिग नेम्स आर ऑलरेडी देयर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ओवरऑल इज अ सक्सेस स्टोरी, इसलिए मैंने अब संख्या बताई आप। उसमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी राइज किया है, वो भी मैंने आपको बताई, और जो अभी तक मैंने 20 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बताया वो एक्सिस्टिंग का बताया। हमारा ये प्रोजेक्शन है कि ये जो हम लोगों ने बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिस को स्टडी किया है और जो भारत की संभावनाओं को तलाशा है, उसके आधार पर हमें लगता है कि 2025 तक ये लगभग 10 लाख करोड़ का जो प्रोडक्शन है और लगभग 20 लाख लोगों को नई एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, इसको हमें पूरी संभावना है कि ओवरऑल 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी और 5 ट्रिलियन नेशनल इकोनॉमी, उसके संदर्भ में हम देखते हैं। सर मैं एक क्वेश्चन मोबाइल से ले लेता हूं आपके लिए ये। बेहतरीन हो अगर खाना तो क्यों रहे कोई बहाना, व्यंजन जो परोसेंगे हम उसकी बात में रहेगा दम, रेस्टोरेंट का हिसाब हुआ पुराना, हम बताएंगे खाने का नया ठिकाना। देखिए फूडिस्तान है हिंदुस्तान।